अर्जुन श्री कृष्ण जी से बोलते हैं, प्रभु आज कुंती नंदन युधिष्ठिर राधा पुत्र कर्ण के पराक्रम से भयभीत हो गए हैं। मधुसूदन, अतः आप शीघ्र वहीं चलिए जहां महारथी कर्ण है। आज मैं इसे मार डालूंगा या यहां मुझे मार डालेगा। फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, कुंती नंदन आज समरभूमि में कर्ण को देवराज इंद्र के समान पराक्रम प्रकट करते और विचरते देख रहा हूँ। निष्पाप महाभाव अर्जुन, इस समय रण क्षेत्र में इस शूतपुत्र के साथ तुम्हारा युद्ध करना मैं उचित नहीं मानता, क्योंकि उसके पास इंद्र की दी हुई शक्ति है जो प्रज्वलित उल्का के समान प्रकाशित होती है। महाबाहो, राधा पुत्र ने समर भूमि में तुम्हारे ऊपर प्रयोग करने के लिए ही इस वैजयंती शक्ति को सुरक्षित रखा है। यह बड़ा भयंकर रूप धारण करती है, अतः मेरी राय है इस समय महाबली घटोत्कच ही राधा पुत्र कर्ण का सामना करने के लिए जाए। भगवान श्री कृष्ण जी के ऐसा कहने पर महाबाहो अर्जुन ने राक्षस घटोत्कच का आवाहन किया। तदंतर महारथी कर्ण के साथ युद्ध करने से पहले घटोत्कच ने भगवान श्री कृष्ण जी और अर्जुन से ये शब्द कहे, आज मैं ऐसा युद्ध लड़ूंगा जिसको इस दुनिया के अंत तक याद रखा जाएगा। आज रात मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, यहाँ तक कि दया की भीख मांगने वाले को भी मार डालूंगा। फिर घटोत्कच कर्ण के साथ युद्ध करने के लिए रणभूमि में आ गए। अब दोनों ही महायोद्धा कर्ण और घटोत्कच आमने सामने थे। जहाँ कर्ण दिव्यास्त्रों के ज्ञाता थे, तो दूसरी ओर घटोत्कच मायावी युद्ध में प्रबल माने जाते थे। दोनों ही एक दूसरे को मारने के लिए उद्दत जान पड़ते थे। दोनों में ही एक भीषण युद्ध शुरू हो गया, जहाँ महारथी कर्ण को अपने दिव्यास्त्रों और घटोत्कच को अपने मायावी बल का प्रयोग करना पड़ा था। रात्रि होने के कारण घटोत्कच की शक्तियाँ दुगनी हो गई थी। घटोत्कच के साथ हजारों की संख्या में राक्षसी सेना भी थी। वे सभी कर्ण पर पत्थर और चट्टानों की बौछार करने लगे, जिससे कर्ण के साथ आए सैनिक भागने लगे। पर कर्ण वही डटा रहा और अपने अस्त्रों से उस पत्थरों की वर्षा को ध्वस्त कर दिया। ऐसा देख घटोत्कच ने एक दिव्य सहस्त्रधार चक्र हाथ में लिया। उस चक्र के किनारे किनारे छुरे लगे हुए थे। मणि एवं रत्नों से विभूषित हुआ वह चक्र प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रतीत होता था, परंतु अत्यंत वेग से फेंका गया वह घूमता हुआ चक्र कर्ण के बाणों द्वारा आहत हो भाग्यहीन के संकल्प की भांति व्यर्थ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर अपने दिव्य बाणों से घटोत्कच के संपूर्ण शरीर को बींध दिया। तब घटोत्कच ने पुनः अपने मायावी शक्तियों का उपयोग करते हुए आकाश से कर्ण पर सैकड़ों हजारों तीर बरसाने लगा और अपना स्थान और आकार बार बार बदल कर कर्ण के आमने सामने माया का प्रदर्शन करके भ्रमित करने लगा। एक बार तो कर्ण के नज़दीक आके बोले, सूतपुत्र आज मैं समरभूमि में तेरे युद्ध का हौसला मिटा दूंगा। ऐसा कहकर वो आकाश में उड़ गया और कर्ण पर लगातार बाण चलाता रहा, लेकिन कर्ण ने उन सभी बाणों को अपने बाणों से काट डाला। अपने माया को नष्ट हुआ देख घटोत्कच ने अदृश्य होकर पुनः दूसरी माया की सृष्टि की। वह वृक्षावलियों द्वारा हरे भरे शिखरों से सुशोभित एक अत्यंत ऊंचा महान पर्वत बन गया और उससे झरने की भांति शूल, प्रास, खड़क और मूसल आदि अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होने लगी। महारथी कर्ण ने एक दिव्यास्त्र चलाकर उस पर्वत को क्षण भर में विलुप्त कर दिया, पर पुनः आकाश में काला मेघ बनकर अत्यंत भयंकर राक्षस कर्ण पर पत्थरों की वर्षा करने लगा। महारथी कर्ण ने वायु अस्त्र संधान करके उस काले मेघ को नष्ट कर दिया। तत्पश्चात अंजलिका नामक बाण मारकर कर्ण के हाथ में स्थित हुए विशाल धनुष को बाण समूह से काट डाला। तब महारथी कर्ण ने एक दूसरा धनुष उठाया और बहुत से शत्रुनाशक बाण चलाए। उन बाणों से पीड़ित हुए वह राक्षसों का समूह व्याकुल हो उठा। तदंतर घटोत्कच ने कूपित होकर पुनः सूतपुत्र कर्ण पर 8 चक्रों से युक्त एक अत्यंत भयंकर रुद्र निर्मित अश्नि चलाई, जिसकी ऊंचाई 2 योजन की थी। लोहे की बनी हुई उस शक्ति में शूल चुने गए थे। यह देखकर
कर्ण ने अपना विशाल धनुष नीचे रख दिया और उछलकर उस अश्विनी को हाथ से पकड़ लिया, फिर उसे घटोत्कच पर ही चला दिया। घटोत्कच शीघ्र ही उस रथ से कूद पड़ा। वह अतिशय प्रभावपूर्ण अश्विनी घोड़े सारथी और ध्वज सहित रथ को भस्म करके धरती फाड़कर समा गई। यह देखकर सभी देवता आश्चर्यचकित हो उठे। तत्पश्चात क्रोध में भरे हुए महाबली भीमसेन कुमार घटोत्कच ने महारथियों को भयभीत करते हुए अपने बहुत से रूप बना लिए। तदंतर संपूर्ण दिशाओं से सिंह, व्याघ्र, तरसु, अग्निमय ज्वाला वाले सर्प तथा लोहेमय चोच वाले पक्षी आक्रमण करने लगे। वह कर्ण के धनुष से छूटे हुए शिखाहीन बाणों द्वारा आच्छादित हो वही अंतर ध्यान हो गया। जब अस्त्र वेताओं में श्रेष्ठ कर्ण घटोत्कच से अपनी विशेषता ना दिखा सका, तब उसने एक भयंकर अस्त्र प्रकट किया। उस अस्त्र के द्वारा उसने घटोत्कच के रथ को, घोड़े को और सारथी सहित नष्ट कर दिया। रथहीन होने पर घटोत्कच शीघ्र ही वह से अदृश्य हो गया। तदंतर हमने अंतरिक्ष में उस राक्षस द्वारा रची गई घोर एवं भयंकर माया देखी। पहले तो वह लाल रंग के बादलों के रूप में प्रकाशित हुई, फिर आग की भयंकर लपटों के समान प्रज्वलित हो उठी, फिर उससे सोने के पंख वाले बाण गिरने लगे। शक्ति, त्रिष्टि, प्रास, मूसल आदि आयुध फरसे खड़क, तोमर, पट्टिस, तेजस्वी पारिग और गदाएं चारों ओर प्रकट होने लगी। गिरती हुई उस ज्वालापूर्ण विशाल वर्षा को कर्ण अपने बाण समूह द्वारा नष्ट न कर सका। तत्पश्चात राक्षस की उस भयंकर माया को देखकर सभी कौरव कर्ण से इस प्रकार बोले, कर्ण, तुम आज इंद्र की दी हुई शक्ति से तुरंत इस राक्षस को मार डालो। महारथी कर्ण ने अपने सेना को भयभीत देख तथा कौरवों का महाआर्तनाद सुनकर घटोत्कच पर शक्ति अस्त्र छोड़ने का निश्चय कर लिया। फिर उसने उस राक्षस का वध करने की इच्छा से श्रेष्ठ एवं असहाय वैजयंती नामक शक्ति को हाथ में लिया। दूसरे के शरीर को नष्ट कर डालने वाली उस उत्तम एवं प्रज्वलित शक्ति को कर्ण के हाथ में देखकर भयभीत हुआ राक्षस घटोत्कच अपने शरीर को विंध्या पर्वत के समान विशाल बनाकर भागा। कर्ण के हाथ में उस शक्ति को देखकर आकाश के प्राणी भय से कोलाहल करने लगी और घोर गड़गड़ाहट के साथ पृथ्वी पर वज्रपात हुआ। वह प्रज्वलित शक्ति राक्षस घटोत्कच की उस माया को भस्म करके उसके वक्ष स्थल को गहराई तक चीर कर रात्रि के समय प्रकाशित होती हुई ऊपर को चली गई और नक्षत्रों में जाकर विलीन हो गई। तदंतर सिंहनादों के साथ साथ भेरी, शंख, नगाड़े आदि बजने लगे। यह देखकर हर्ष में भरे हुए कौरव सैनिक जोर जोर से गर्जना करने लगे। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।